सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ वर्ड है, उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटे का साइन आएगा उस पर भी क्लिक कर दें। ऐसा करने से होगा कि नया वीडियो मैं जैसे ही पोस्ट करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे सबसे पहले देख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज। माई हेल्प केयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर को बिना फॉर्मेट किए ही उसमें बहुत सारा पार्टीशन बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ना तो किसी सॉफ्टवेयर का ज़रूरत है और ना ही कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज का ज़रूरत है। आप बहुत ही आसानी से बहुत सारे पार्टीशन बना सकते हैं। तो अगर जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको दिखा देता हूं अपने कंप्यूटर में कि कितना सा मेरा में ड्राइव बना हुआ है। एक देखिए सी ड्राइव है, एक यहां पे ई है और एक एफ है, मतलब तीन ड्राइव यहां पे बना हुआ है। तो किसी में से आप ब्रेक करके निकाल सकते हैं, बहुत सारा ड्राइव यहां से बना सकते हैं, पार्टीशन बना सकते हैं अलग अलग। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही आसान है। आपको अपने जो यहाँ पे लिखा हुआ दिस पीसी, या अगर विंडोज 7 चलाइएगा तो माई कंप्यूटर लिखा हुआ रहेगा, तो उस पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाने के बाद यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट जो है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा तो ऐसा खुल जाएगा, आपका सारा ड्राइव यहाँ पे दिखा देगा जो भी यहाँ पे है, सी ई और एफ। तो मैं एफ से अपना ब्रेक करके निकालना चाहता हूँ और ड्राइव, तो इस पर क्लिक करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में दिखाई देगा श्रिंक वॉल्यूम, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जितना GB का बनाना है उसे आपको यहाँ पे बना लेना है। तो मैं फ़िलहाल बना लेता हूँ 10 GB का बना लेता हूँ, लगभग 10 GB का। तो 10,000 लिख दिया, 1024 में होता है 1 GB, तो मैंने 10,000 लिख दिया, तो लगभग 9 GB कुछ बन जाएगा। अगर एक जीरो और दे दूंगा तो 100 GB के आसपास बन सकता है, तो चलिए 100 GB ही कर देता हूँ। ये हो गया, मैंने 1,00,000 MB यहाँ पे लिखा हूँ। तो अब इसे यहाँ पे नीचे में श्रिंक कर देना है। श्रिंक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है 97.66 GB का अनएलोकेटेड डिस्क। अब इसके ऊपर आपको राइट क्लिक फिर से करना है, फिर न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट कर देना है, फिर से नेक्स्ट आपको करना है। और उसके बाद जो नया ड्राइव आप बना रहे हैं उसका कुछ नाम आप रख दीजिए, जो भी रखना हो। मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ, टी पे सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे फॉर्मेट वाला पर टिक है तो इसे फॉर्मेट वाला पे ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप डू नॉट फॉर्मेट पर टिक करते हैं तो उसके बाद आपको अंत में फिर से फॉर्मेट करना ही पड़ेगा। तो इसको इसी में रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट और फिर फिनिश। देख सकते हैं अब यहाँ पे आपका ये हो गया है 97.66 GB का, ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है, फॉर्मेट होके सब कुछ क्लियर हो गया, मतलब आपका जो वॉल्यूम है नया वाला बन चुका है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे इसे कट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं अब एक चौथा वाला, देखिए न्यू वॉल्यूम जो मैंने टी करके बनाया था यहाँ पे आ चुका है। अब आप इसमें जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब दोबारा आपको चाहिए कि इस वॉल्यूम को फिर से आपको हटाना है, मतलब इसे डिलीट करना है, पहले जैसा था उस वैसे कर देना है। तो उसके लिए भी आपको बहुत ही आसान तरीका अपनाना होगा। जहाँ पे आप गए थे वहीं पे जाना है, राइट क्लिक कीजिए, आप अपने माई कंप्यूटर पे मैनेज पे जाइए। मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे डिस्क मैनेज में जाइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसके बाद न्यू वॉल्यूम जो आपका बना है इस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद डिलीट वॉल्यूम पर चले जाइए। उसके बाद यस यस करने के बाद थोड़ा सा वेट, ये देखिए हरा हो गया है। फिर से आपको इस पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद डिलीट पार्टीशन पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से यस कर देना है। यस करने के बाद देखिए 97.66 GB का अनएलोकेटेड हो गया। अब इसके बाद आपको फिर से एफ ड्राइव में जाना है और इस पर राइट क्लिक करना है और एक्सटेंड वॉल्यूम, एक्सटेंड का मतलब फिर से मिलाना, तो इस पर फिर से आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट करते जाना है, नेक्स्ट करते जाना है, फिनिश। अब आपका जो पहले था वैसे हो चुका है। आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर में देखिए यहाँ पे फिर से तीन ड्राइव आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में बहुत सारा पार्टीशन बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, बिना किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ किए बिना ही। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव या शिकायत हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। और इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, कुछ नई नई टिप्स लेना चाहते हैं मोबाइल कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे देख पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।